सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह अपने समय की विश्व की सबसे उन्नत और विकसित सभ्यता थी। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाई गई, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को दिया जाता है, जिन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस जगह को खोजकर 1922 से इसकी खुदाई का काम शुरू करवाया। सबसे पहले हड़प्पा की खोज होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में 1500 नगर पाए गए हैं, जिनमें से ज्यादातर नगर भारत के पास हैं, जिनकी संख्या 925 है। पाकिस्तान में 575 नगर पाए गए हैं और अफगानिस्तान में 2 नगरों की खोज हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सभ्यता कितने विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। इसके जैसा नगर नियोजन उस समय की किसी भी सभ्यता में नहीं पाया गया है। इन लोगों को लिपि का ज्ञान था, ये लोग नाप तौल करना भी जानते थे और इन्हें मिट्टी से बर्तन, औजार और खिलौने बनाने की कला भी मालूम थी। पाकिस्तान के सिंध में मिला मोहनजोदड़ो नगर इस सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज प्रसिद्ध इतिहासकार राखलदास बनर्जी ने की थी। खुदाई होने पर यहाँ काफी मात्रा में कंकाल मिले थे, इसलिए इसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से हुई खुदाई में तांबे की मुहरें, चित्रात्मक लिपि, पशुपति की मुहर पर हाथी, बैल और बाघ के चित्र बने हैं। मोहनजोदड़ो में बड़े घर, नालियां, चौड़ी सड़कें, स्नानागार और बहुत सारे कुएं होने के भी प्रमाण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यह नगर कितना विकसित था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पुरोहितों की मूर्ति, बैल, मातृ देवी, देवियों की मूर्तियां, बैलगाड़ी, शिवलिंग भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि ये लोग हिंदू धर्म को मानते थे। ये सभ्यता अपने सामूहिक स्नानागार, विशाल अन्न भंडार और गोदामों के लिए प्रशंसनीय मानी जाती है। सजने सवरने के लिए ये लोग सोना चांदी, हाथी के दांत, शंख और मनके से बने आभूषणों का इस्तेमाल करते थे। इनके वस्त्र सूती, ऊनी और कढ़ाईदार पाए गए हैं। इनके खान पान में गेहूं, जौ, सरसों, खजूर, तिल, चावल, इन सब के प्रमाण मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के खत्म होने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है।